ये जो केस है इसमें जो अक्यूज्ड है इसको हमने गिरफ्तार किया। आज सुबह 6 बजे हमें लगभग 6 बजे कॉल आया कि एग्जीबिशन ग्राउंड में जो दुर्गा पंडाल है उसमें जो मूर्ति है उसके हाथ राइट हैंड जो है वो टूटा हुआ है और नीचे जो प्रसाद है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इधर उधर गिरा हुआ है, चेयर्स भी गिरे हुए हैं। सुबह से हमारी टीम इस पे काम कर रही थी, शाम को लगभग 8:15 पे फीलखाना एरिया में हमने इसको पकड़ा। अक्यूज का नाम जो है वो कृष्ण या गौड़, ये नागर करनूल का रहने वाला है। मेंटली इज नॉट वेरी फिट, मेंटली अनसाउंड है, तो अपने डिटेल्स भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बता पाया है। अभी तक हमें यही पता चला है, इस इंसिडेंट में हमने 2 केस बुक किए हैं, एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर जो कि उन्होंने ये कंडीशन वायलेट किया। एज पर द इंटीमेशन फॉर्म उनको स्पॉट पे राउंड द क्लॉक वॉलंटियर रखने हैं जो वॉलंटियर नहीं थे, और सेकेंड अक्यूज के ऊपर एक केस बुक किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ DNS। एंड दो बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक तो ऑर्गेनाइजर जो भी रिलीजियस इवेंट करते हैं उनको परमिशन दिया जाता है तो कुछ कंडीशन होते हैं, सो इन एनी केस उनको वो कंडीशन फॉलो करने हैं, बिकॉज पुलिस कांट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी प्रोग्राम। तो उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो जो भी कंडीशन है उनको फुलफिल करें। जब रात में ये इंसिडेंट हुआ 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में रात में, यहाँ पे कोई भी वॉलंटियर नहीं था जिस टाइम पे ये घटना हुई। दूसरी बात, सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्विटर पे कई तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं, कई तरह के र्यूमर फैला रहे हैं, जिससे जो शहर का जो एक त्योहार को लेके एक माहौल है, वातावरण है, वो खराब हो रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी लोगों से कि इस तरह की चीजों पे भरोसा ना करें जब तक कोई फैक्ट चेक नहीं करते हैं या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। इस केस में भी सुबह से हम लोग अक्यूज को पकड़ने के लिए भी तैयार, हमारी टीमें लगी हुई थी, बट साथ ही साथ ये पब्लिक भी इधर आ रही थी और इस तरह का एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया जा रहा था, तो वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि प्लीज व्हाटएवर आप लोग जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं या अपनी बात तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू रख रहे हैं वो थोड़ा फैक्ट चेक करने के बाद रखिए। वजह केवल ये एक वेगा बॉन्ड है, ये रोड्स पे रहता और ये बैगिंग करके उस तरह अपना लाइवलीहुड अर्न करता है। कल नाइट में अराउंड 9:50 को एग्जीबिशन ग्राउंड में एंटर हुआ, उस टाइम पे डांडिया प्रोग्राम चल रहा था, नाइट में इधर ही स्टे किया, 3 o'clock के अराउंड खाना ढूंढते हुए वो इधर पंडाल में आया, तो जो भी पूजा का सामान था उसने उसको भी डिस्टर्ब किया कि कुछ खाने को मिलेगा, प्रसाद होगा, वही देखने के लिए कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, तो जो हुंडी है उसको भी इधर गिरा दिया। दैट इज द ओनली इंटेंट, देयर इज नथिंग कम्युनल इन दिस। के पास में जाएगा, कैमरे को टर्न करेगा, वो चीज भी कैप्चर होती है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमने अक्यूज को पकड़ा है वो एक्चुअली हमने सीसीटीवी कैमरा के थ्रू ही पकड़ा है। एग्जीबिशन ग्राउंड जो ऑफिस है उसके सामने से कैमरे से हम कैप्चर करते हुए गए, जो भी कैप्चर वहां पे फुटेज हुआ उसके थ्रू। हाँ, पंडाल के पास में जो कैमरा था जो डायरेक्टली पंडाल फोकस जो कर रहा था वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था, बट ये केस से रिलेटेड, इंसिडेंट से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि किसी ने विलिंगली कैमरा को डैमेज किया और फिर ये इंसिडेंट हुआ। अभी ये केस को कवर करने के लिए, अक्यूज को पकड़ने के लिए हमने मल्टीपल टीम फॉर्म किए थे, टास्क फोर्स और ये सेंट्रल जोन पुलिस ने मिलकर ये केस को सॉल्व किया है। तो यहाँ से लेके हम कैमरे चेक करते हुए जा रहे थे ना, टू टेल अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, इट्स अ बिट लाइक आई कांट से द एग्जैक्ट नंबर कि कितने कैमरे हमने चेक किए। ग्राउंड में कहाँ कैमरे लगे हुए हैं, कौन से वर्किंग कंडीशन में है, हमने एग्जीबिशन सोसाइटी के जो भी ऑफिस बेरर हैं वी हैव टोल्ड देम टू चेक वेदर दे आर इन वर्किंग कंडीशन और नॉट, बिकॉज रेगुलरली यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो डेफिनेटली वो जो सामने वाला कैमरा, इंसिडेंट के बाद जो एक कैमरा लगा है वो ये पंडाल को कवर करने के लिए, कैमरे ऑलरेडी थे, कुछ कैमरे वर्किंग कंडीशन में नहीं थे, कुछ कैमरे थे वर्किंग कंडीशन में। गार्ड रहता है, वो गार्ड था। अभी ग्राउंड के अंदर रात में कई लोग आते हैं और रात भर यहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा था, कैमरेज भी उनकी तरफ से थे, बट कुछ कैमरा दे हैव रिजॉल्वड के रेगुलर वो इसका चेक भी करेंगे, मेंटेनेंस भी करेंगे, सो दे हैव आल्सो अपग्रेड टू दिस। थैंक यू। तेलुगु మీరు వాళ్ళకనే సార్ చెప్పింది ఏంటంటే వాళ్ళందరూ మెంటల్గా మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి రానే ఉన్నారు అన్న, కొంచెం పక్కన జరిగి సార్ కూర్చోండి, సార్ సార్ విజయ్ సార్ కూర్చో, వన్ ఫోటో
भाई थोड़ा फोन नीचे करना।